हार जाओगे। हार तो मैं पहले गया था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों, एक बार हम फिर से बात करने वाले हैं बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान के बारे में, जिसने की अपने शुरुआती 6 दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से काफी धमाकेदार कमाई करते हुए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। लेकिन आज अपने 7वें दिन में ये फिल्म वर्किंग डे होने के बावजूद काफी अच्छा होल्ड दिखा रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज के दिन भी ये फिल्म इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से काफी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली है। अगर बात करें फिल्म के शुरुआती 6 दिनों के दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो शुरुआती 6 दिनों में ये फिल्म इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से लगभग 660 करोड़ की कमाई कर चुकी है और आज अपने 7वें दिन ये फिल्म मॉर्निंग से लगभग 20-25% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज के दिन भी ये फिल्म काफी अच्छी कमाई करने वाली, क्योंकि आज के दिन के लिए फिल्म की एडवांस बुकिंग 10 करोड़ से भी ज्यादा की है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज के दिन ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से लगभग 50 करोड़ तक की कमाई कर सकती है। इसी के साथ सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान का शुरुआती 7 दिनों का कलेक्शन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से लगभग 710 करोड़ का हो जाएगा और जिस स्पीड से ये फिल्म कमाई कर रही है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले संडे तक ये फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी और अपने लाइफ टाइम में ये फिल्म लगभग 1300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर सकती है और सुपरस्टार शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है। तो आप सभी को सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान कैसे लगी, आप सभी की राय में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे अपडेटेड न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मूवी न्यूज़ को।